विजयनगर तहसील में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही गुजरात के साबरकांठा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 तक पहुंच गई है। विजयनगर तहसील के चित्थोड़ा गांव के 2 मरीज और लिमड़ा गांव के 1 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार तीनों मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भेज दिया गया है। विजयनगर तहसील में कोरोना संक्रमितों का मामला सामने आते ही खेड़ ब्रह्मा के डिप्टी कलेक्टर KS मोदी विजयनगर आ पहुंचे और उनके साथ ही पुलिस प्रशासन, पुलिस सब इंस्पेक्टर अर्जुन जोशी, विजयनगर तहसीलदार और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SM चौहान ने भी पूरी जगह का मुआयना किया। नमस्कार, मैं हूं हर्षित कुमार, आप देख रहे हो HBN न्यूज चैनल। विजयनगर तहसील के अंदर 3 संक्रमण का मामला सामने आया है। तब बात करें, हम आज हमारी टीम विजयनगर तहसील के चिट्ठोड़ा गांव में आ पहुंची है, जहां संक्रमण का मामला आया है। यहां सभी प्रशासन तैनात हो चुके हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं वो हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। अत्रे साबरकांठा जिला विजयनगर तालुका में चिट्ठोड़ा और लीमड़ा ये बने नजीक गामों है। बने गामों में चिट्ठोड़ा में गई काले 2 पॉजिटिव केस आवेला है कोरोना, अने लीमड़ा में 1 केस आवेलो है। आ बने जे चिट्ठोड़ा बने केस की हिस्ट्री बने अमदावाद गांधीनगर हॉस्पिटल में नौकरी करता था। एक भाई स्वीपर में, एक भाई कैंटीन में, एवी हिस्ट्री है। ए बार माइग्रेट थी आ लॉकडाउन दरमियान इतने आवेला है। एमने पहले होम क्वारंटाइन ज राखेला है, एट्ले स्प्रेड थो प्रश्न ओछो है। आज आखो चिट्ठोड़ा गाम ने अपने कंटेनमेंट जाहिर करेल कर तमाम एंट्री बंद कर एक एंट्री इन आउट गाम चालू रहें। त्या पोलिस एनी दरेक आवत जे रिस्ट्रिक्शन रहे एनी अंदर अंदर बढ़ता लोगों की नोंध कर अनिवार्य संजोगों में मेडिकल इमरजेंसी सीवाय कोई बाहर निकली सकते नहीं, अंदर जाइ सकते नहीं। तमाम रूट अमे लोग अधिकारी जो लीधो है, जे तमाम ने समझूत कर दें है। जे लोग आ बे केस आए थे परिवारजनों एमने पर आप आज क्वारंटाइन करे बदाने। बाजू में जो लीमड़ा गाम है एम एक दुकानदार था, पण अरवली साथ एमने कनेक्शन हिस्ट्री में मिल्यू है, एटले एना कारणे एमने पॉजिटिव केस आवानी आवेलो छे एवुं जाणवा मळे छे। एना परिवारना जे 3-4 सभ्यो छे एने पण आपणे क्वारंटाइन करीए छीए। जेना पॉजिटिव केस आव्या छे तमामने आपणे अत्यारथी गईकाले रात्रे ज हिम्मतनगर खाते कोविड केर खाते आपणे लई गयेला छीए। अने गाममां अत्यारे तमाम चहल पहल हलचल आव जा बधी बंद करवामां आवी छे। અને આપણે માધ્યમથી જણાવવા માગીશ સૌ ગામજનોને અને સર્વને કે કોઈ ઘર કામ વગર બહાર ના નીકળે, તમામ પ્રવૃત્તિ બંધ રાખે અને દરેકને ઇમરજન્સી વસ્તુ મળી રહેશે। પંચાયત, પોલીસ, મામલતદાર ઓફિસ, DDO ઓફિસ તમામ મદદ મળશે, પણ કોઈ અનિવાર્ય કારણ કોઈ બહાર જ ના નીકળે તો આ ચેપ અહીંથી આપણે અટકાવી શકીશું કન્ટેનમેન્ટમાંથી। हमारे साथ विजयनगर तहसील के स्वास्थ्य अधिकारी जुड़ चुके हैं, हम इसको बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ 3 संक्रमण के सामने आया है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सूचन मुजब आरोग्य स्टाफना रूटीन सर्वे दरमियान सरकार ने जो कई गाइडलाइन है, वल्नरेबल ग्रुप, हाई रिस्क ग्रुप, तेनु सर्वे दरमियान अमोने सैम्पल लेवा माटे सूचन करवामां हतुं। ते बाबतमां 18 तारीखना आ 3 ईसमोनुं सैम्पल लेवामां हतुं। रेवड़ डायाभाई पूजाभाई, रेवड़ दीपकभाई अमृतभाई अने पांडोर दिनेशभाई मकनाजी, ए लोकोना 18 तारीखे PSC चिठोड़ा द्वारा खेड़ब्रह्मा खाते कोरोना टेस्ट माटेना सैम्पल लेवामां आव्या हता, जेनुं परिणाम गईकाले एटले के 21 तारीखना सांजे 6 वागे जाहेर थता तात्कालिक आरोग्यनी टीम द्वारा सर्वे चालू करवामां आव्यो छे। आरोग्यनी विजयनगर तालुकानी रेपिड रिस्पोन्स टीम द्वारा गृह मुलाकात करवामां आवी अने आ 3 कोरोना पॉजिटिव दर्दीओने तात्कालिक हिम्मतनगर सिविल खाते वधु सारवारार्थे शिफ्ट करवामां आवे छे। वधुमां रेपिड रिस्पोन्स टीमे दरेक गृह मुलाकात करीने कया कया एरिया संक्रमित थवानी संभावना छे તેઓ આજમાં પણ તેની ચર્ચા કરી અને તે તમામ એરિયાને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવા માટે માન્ય CDHO સાહેબશ્રીને પણ સૂચના CDHO સાહેબની જે પણ જાણ કરવામાં આવી અને તે મુજબની અગાઉની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। વધુમાં આજ રોજ
આરોગ્યની ટીએચઓ ટીમ, મામલતદાર સાહેબની ટીમ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી ટીમ અને પીએસઆઈ ચિઠોડાની ટીમ દ્વારા કન્ટેનમેન્ટ ઝોન એરિયા માટેના દરેક વિસ્તારની રૂબરૂ મુલાકાત લેવામાં આવી, જેમાં લીમડા ગામે ચાર જગ્યાએ પડદા મારીને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવા માટેનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે અને ચિઠોડા ખાતે પણ ચાર જગ્યાએ પડદા મારીને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં આજરોજ અમે ઉકાળા વિતરણનું પ્લાનિંગ કર્યું છે. જે વિસ્તારમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર છે તે તમામ ફળિયાઓના લોકોને આયુર્વેદિક ઉકાળા એનું પણ વિતરણ ચાલુ કરીએ છીએ. વધુમાં આ વિસ્તારમાં ચિઠોડા અને લીમડા ગામમાં હાઇપોક્લોરાઇડ સોલ્યુશનનું સેનિટાઇઝ કરવા માટેનું પણ પ્લાનિંગ થઈ ગયું છે, જે આજ સાંજ સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. વધુમાં આરોગ્યની 8 ટીમો સદર વિસ્તારમાં આરોગ્યથી કામગીરી માટે સર્વે ચાલુ કરેલ છે અને તેઓ સળંગ 14 દિવસ સુધી સર્વે કરશે અને વધુમાં આ લોકોના જે ક્લોઝ કોન્ટેક્ટવાળા છે એવા 18 વ્યક્તિઓને ચિઠોડા પ્રાથમિક શાળા અને લીમડા પ્રાથમિક શાળામાં હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે, જે બાબતની આપને જાણ થાય. અસ્તુ. हमारे साथ यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर विमल भाई जुड़ चुके हैं. हम इसको बात करने की कोशिश करेंगे. सर, यहाँ जो संक्रमण आया है इसके बारे में आपको आपकी टीम किस तरह से तैनात है? हमको डिस्ट्रिक्ट में से इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चिठोड़ा है वहाँ पर 2 केस चिठोड़ा और 1 केस लिमड़ा का जो पॉजिटिव आया है, उसके अनुसंधान में हमारे यहाँ की जो कोरोना वॉरियर टीम है उनको इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने स्क्रीनिंग का काम जो करना होता है वो शुरू कर दिया है. और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन मिली तो हमारी यहाँ की जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है जिसके टीम के अंदर मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एमएल वर्कर, हेडक्वार्टर मिनरल सुपरवाइज़र, हेडक्वार्टर मल्टीपर्पज़ हेल्थ सुपरवाइज़र और मल्टीपर्पज़ वर्कर चिठोड़ा की जो टीम है वो टीम हमने बना के जो प्राइमरी उनकी जो हिस्ट्री टेस्ट ट्रैकिंग हिस्ट्री जो होती है तो वो हमने इवेल्युएट कर दी है और उसकी करने के बाद उनकी फैमिली हिस्ट्री और वो कहाँ से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो हमने कलेक्शन कर लिया है. उसके आधार पे उनको वो इन्फेक्शन कहाँ से लगा है वो हम उनको पता लगा सकते हैं उसकी वजह. और जो उसके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है जो पॉजिटिव केस के और जो हाई रिस्क जो है उनके जो कुटुंब के जो फैमिली के जो सभ्य है वो हाई रिस्क होते हैं और उनके पड़ोस वाले जिनके ये कभी कभार मिले हैं तो उनको लो रिस्क में लिया है तो उनको हमने वो लिस्टिंग कर दिया है. और जो पॉजिटिव केस है उनको हमने कल 108 एम्बुलेंस में कॉल करके उनको हिम्मतनगर सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है. रात को जैसे हमको मालूम पड़ा वह तुरंत हमने 108 को कॉल कर दिया, प्राइमरी हिस्ट्री ले ली और उनको सिविल हॉस्पिटल हिम्मतनगर दाखिल करवा दिया है. और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट जो है उनको स्क्रीनिंग कर दिया है और उनके पड़ोस वाले जो है जो लोग उनका स्क्रीनिंग चालू है. हमारी टीम के लगभग लिमड़ा गाँव के अंदर 5 टीम है और चिठोड़ा गाँव के अंदर 5 टीम है और उनका अभी हेल्थ स्क्रीनिंग जो होता है इसके अंदर एरिया के अंदर जो बच्चे लोग हैं 0 से 5 साल के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है जिनकी डायबिटीज़ बीपी की दवाई चालू है, किसी को कैंसर की दवा है, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, किडनी की ट्रीटमेंट चल रही है तो उनका लिस्टिंग करवा दिया है और उनका हर रोज़ स्क्रीनिंग होगा. और हमारे जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स जो है उनको आईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के लिए उनको बोल दिया है, जो वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र करना, उसका जो पब्लिक में जो अवेयरनेस होना चाहिए उसके लिए हमने यहाँ से एक टीम लगा दी है. और जो एरिया है उनको सैनिटाइज करने के लिए हाइपो सॉल्यूशन जो होता है उससे वो सैनिटाइजेशन करने के लिए जो नेपसेक पंप होता है और उनका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया है तो उससे सैनिटाइजेशन की कामगिरी भी शुरू हो गई है. बहुत बहुत धन्यवाद.